मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, there has been some negligence, but it was never intentional, it was never motivated, ये एक एक्सीडेंट है, और मुझे लगता है कि सबको कंधे से कंधा मिला के इस बोझ को शेयर करना चाहिए, और the minimum that we can do is कि इन लोगों को जो बच गए, इन लोगों को सहायता दे सकें, रिलीफ वर्क हो सके जितना हो सकता है, और जो एम्पथेटिक व्यू है सरकार ने लिया है, मुझे नहीं लगता कि भरपाई हो सकती है. इट इज़ एन इररिपेरेबल लॉस, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. मैंने कहा कि लाचार बेबस इंसान भगवान के आगे बिल्कुल बेबस है, लेकिन फिर भी जो बस में होगा, चीफ मिनिस्टर साहब पहुंच रहे हैं, करीब करीब 10 बजे का उनका टाइम है आने का, तो वहाँ सभी मिनिस्टर भी होंगे, तो वहाँ उनसे बातचीत होगी. उन्होंने इंक्वायरी ऑलरेडी मार्क कर दी है और उससे ये पता लग जाएगा. पर मेरा एक ही कहना है कि ये वक्त उंगलियां उठाने का नहीं है, क्योंकि किसी ने ये जानबूझ के नहीं किया, किसी ने, मान लीजिए किसी ने भी, क्योंकि जो वहाँ थे भी, देखिए नेग्लिजेंस, देखिए गुस्सा, एक बात समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ अपनी वाइफ की वजह से लड़ा हूँ, चाहे सड़क हो स्ट्रीट हो, काम वही करती है, वही रहती है, और कल रात को भी जब उस पर आरोप लग रहे थे तो वो यहाँ पे मरीजों के साथ थी, हॉस्पिटल में थी, और उसने मुझे फ़ोन किया, कोई बात नहीं मैं यहीं पे हूँ. घर पहुँचने से पहले उसे पता लगा और वो यहाँ इमिजिएटली पहुँच गई थी. मुझे नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल, मेरा उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो सका. आरोप लगाने वाले लगाएं, उसका कोई वो नहीं है. सवाल इतना ही है कि एक एक्सीडेंट को पॉलिटिकल रूप मत दीजिए. ये एक एक्सीडेंट है, इसमें किसी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, मंतव्य से नहीं किया है, तो इसके ऊपर गलत आरोप मत कीजिए, इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, और कोशिश यही कीजिए कि जितना भरपाई हो सके इस इररिपेरेबल लॉस की, वापस तो कोई आ नहीं सकता.